प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। अपने विचार, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव हमें भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, दोहरा देता हूं, 7000-969-440। ये वो नंबर है जिस पर आप अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं हमको भेज सकते हैं। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, इसको दो तीन लोगों ने अलग अलग स्वरूप में हमें भेजा है, और कई बार ऐसे व्यक्तित्व भी हमें अपने विचार, सुझाव और प्रश्न भेजते हैं जो उस प्रश्न को बखूबी समझते भी हैं कि इसका उत्तर क्या है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इस पर कोई ऐसी व्याख्या सुनने के अभिलाषी होते हैं जो शायद उनकी जानकारी में नहीं है, क्योंकि वो जो जिस रूप में हमें भेजते हैं उस रूप को देखकर ही हमें लगता है कि इनको बहुत विद्वान लोग हैं और बड़ी विद्वता से विषय को देखते और समझते और परखते भी हैं। लेकिन फिर भी ये मनुष्य की जिज्ञासा है कि वो, कई बार शायद ये भी हो सकता है कि वो कुछ मौलिक सुनना चाहते हों उस पर, और कई बार परीक्षा लेने की भी एक बात जो है कि देखें कितना दम है, ये भी हो सकता है, क्षमा कीजिएगा। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसके जो दो तीन आयाम हैं, क्योंकि ये तीन चार लोगों की तरफ से हमको इस रूप में ये जिज्ञासा, सुझाव या प्रश्न मिले, इनमें से एक सुझाव या प्रश्न का सिरा कहता है कि मुझे उन लोगों को देखकर बहुत घृणा होती है और मैं इससे निरंतर जूझ रहा हूं जो कपट व्यवहार करते हैं, और ये कहते हैं कि इसमें मेरा अपना पुत्र भी शामिल है। जब वो मुझसे छल करता है कि मैंने होमवर्क कर लिया है और वो होमवर्क नहीं करता है, उसका चेहरा बताता है और वो दसवीं का विद्यार्थी है, तो मुझे बहुत घृणा होती है कि ये सच क्यों नहीं बोलता, जबकि मैं प्रयास आरंभ से मेरा रहा है कि मैं सच को साध कर चलूं। फिर मुझे लगता है कि दुनिया में अधिकांश लोग तो ऐसा ही आचरण करते हैं। फिर मैं कई बार पत्नी को देखकर व्यथित हो जाता हूं कि वहां भी सत्य का आचरण नहीं है। ऑफिस में मित्रों से मेरा झगड़ा अधिकतर इसी बात को लेकर होता है, जो झूठ बोलते हैं बार बार और प्रकट में ऐसा करते हैं आचरण कि कहीं कोई झूठ और असत्य नहीं है। फिर इनका जो दूसरा सिरा है, ये इनकी बात नहीं है, ये दूसरी तरफ से ये बात, ये कहते हैं मैं हमेशा सोचता हूं कि परोपकार बहुत अच्छी चीज है लेकिन कर नहीं पाता हूं। परोपकार की तरफ मेरी इच्छा तो बहुत होती है, किसी की पीड़ा को मैं अपने स्तर पर जितनी मेरी क्षमता है मैं समाप्त कर लूं, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं। जैसे ही मैं परोपकार की तरफ बढ़ता हूं तो दिमाग में एक व्यापारी जैसा गणित प्रकट होने लगता है कि इतने पैसे कैसे दे दें, भले ही इसको जरूरत है, फंस गए तो, और फिर ये तो कर ही लेगा कहीं ना कहीं से, मैं नहीं दूंगा तो कहीं और से कर लेगा। तो फिर मन में एक घृणा का भाव अपने लिए ही पैदा होता है, उत्पन्न होता है। तो ये जो दो भाव हैं जिनका केंद्र या तो अपने से ही चिढ़ना है, अपने से ही अप्रसन्न रहना है, दो तरह के लोग संसार में होते हैं। एक जो अपने कृत्य को लेकर कभी दुविधा में नहीं होते, ऐसा मनोचिकित्सक भी कहते हैं, हत्या करने के बाद भी वो मानते एक वैलिड रीजन था इसका, इसीलिए अधिकांश लोग आपको दुनिया में द्वंद में नहीं दिखेंगे, लेकिन कुछ एक प्रजातियां मिलेंगी जो द्वंद में मिलेंगे। वो अगर किसी का भला नहीं करेंगे तो उनको जो भी उनके मन में भय हो कि कहीं ईश्वर हमको दंड ना दे या खुद की अदालत में वो खड़े हो जाते हैं। आज इस विषय को समझेंगे जरा, क्योंकि ये हम में से अधिकांश लोगों का द्वंद हो सकता है, जो सही मार्ग पर चलना तो चाहते हैं लेकिन या तो उसका साहस नहीं जुटा पाते हैं, या जैसा हमारे विद्वान वक्ता अक्सर कहते हैं कि उनकी बुद्धि उन्हें विषयों की तरफ फिर ले जाती है। तो चलिए चलते हैं भगवद गीता के अध्येता मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूं सर। आज आपके विषय प्रवर्तन में न केवल प्रश्नकर्ताओं के प्रश्न समाहित थे, उनके अंतर्मन की मनसा समाहित थी, और बहुत सीमा तक आपका अभिमत और आपकी मीमांसा भी समाहित थे जी। ये सब कुछ मिलकर मुझे एक ऐसी चिंतन की धुरी पर ले गया जहां मैं बड़े आनंद में हूं।
और यदि मेरे अंतर्मन में आनंद है तो मैं समझता हूं कि मां शारदे कुछ अच्छा प्रकट करेंगे। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, ये संशय तो अपने चित्त से निकाल दीजिए कि कोई व्यक्ति, कोई ज्ञानी आपकी परीक्षा लेने के लिए प्रश्न करता है, क्योंकि यदि वो ज्ञानी है तो परीक्षा लेने प्रश्न करेगा नहीं करेगा। एक बात समझ लीजिए, ठीक बात, ज्ञानी वही है जो परिपक्व और पूर्ण हो जाता है, आप्लावित रहता है आत्मानंद से, तो उसके अंतर्चित्त में कोई पूर्वग्रह नहीं होता जी। लेकिन ज्ञानी पूछता क्यों है प्रश्न, फिर भी जानते समझते हुए भी वो प्रश्न क्यों पूछता है? क्यों नैमिषारण्य में हजारों विमग्र होने वाले ऋषि एकत्रित होकर के क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं उन प्रश्नों को जिसको जानते हैं वो कि मनुष्य का छोटा जीवन है, म्रियमाणस है, मर जाना है, शरीर छोड़ जाना है, पीड़ा में है, दुख में है, क्या करे? इन सब के उत्तर उन शौनकादिक ऋषियों को मालूम है, क्योंकि वो ही वेद और उपनिषद के अलग अलग खंडों में इनके उत्तर दूसरों को समझा रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, इनकी गहराइयों पर बात कर रहे हैं। फिर वो वहां सूत जी से क्यों प्रश्न कर रहे हैं, फिर वो वहां नारद से क्यों प्रश्न कर रहे हैं, फिर वहां व्यास और सुखदेव को बिठाकर वो क्यों चिंतन कर रहे हैं? लोक कल्याण के लिए। वाह। तो जब ज्ञानी प्रश्न पूछता है, जब गुरु प्रश्न पूछते हैं, जब संत प्रश्न पूछते हैं, जब माता पिता और विद्वान संत प्रश्न पूछते हैं, तो उन प्रश्नों में लोक कल्याण का हित शामिल होता है। वो चाहते हैं कि वो आपको इस बुद्धि कौशल के लोगों को तृप्त दें। मैया पूछ रही है शंकर जी से, तो क्या मैया को नहीं मालूम है कि इस प्रश्न का क्या उत्तर है? क्या मेरी मैया नहीं जान रही है राम कौन है? तो वो जानते हैं शिव जी भी, तो शिव जी कहते हैं यद्यपि अशंका की नहीं सोही, शंका शब्द नहीं कहा उन्होंने, यद्यपि अशंका, जिज्ञासा शामिल है उसमें, यद्यपि अशंका की नहीं सोही और कहत सुनत सब कर हित होई। तुम इसलिए मुझसे पूछ रही हो कि मेरे कहने और तुम्हारे सुनने से, यद्यपि हम वक्ता श्रोता एक बैठे हैं, लेकिन सबका हित होगा। सही बात। तो इसलिए ऐसे लोगों को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, जो ज्ञानी हैं, ज्ञान पथ के पथिक है, अध्यात्म क्षेत्र में जिन्होंने अध्ययन किया है, जिन्होंने अध्यापन किया है, जिनके अंतर चित्त में लोक कल्याण की भावना है। कई बार पिता तो जानते हैं ना कि कौन है भगवान, लेकिन अपने पुत्र को जानने के लिए गुरु के पास भेजते हैं, क्योंकि आप पिता की बात नहीं सुन सकते, तो गुरु की बात सुनेंगे। तो अलग अलग माध्यमों से ये प्रक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। अब आपके दो शब्द जो हैं वो बड़े सुंदर शब्द प्रश्नों के माध्यम से निकले हैं, एक कपट, एक परोपकार। ये दोनों बड़ी गुड़ मीमांसा के विषय हैं शरद जी। आप ध्यान रखिए, हमारे यहां प्रत्येक शब्द में सूचकांक गुड़ संस्कृत के अर्थ हैं। अगर आप खा कहते हैं तो खा उपात चक्रम अंतरिक्ष है, सचराचर सृष्टि में अंतरिक्ष आकाश के लिए खा शब्द का उपयोग किया गया है, और का शब्द ब्रह्म का वाचक है। अच्छा, का शब्द ब्रह्म का वाचक है, हमारी ज्ञान का वाचक है, आत्मज्ञान का वाचक है। तो जो ज्ञान पथ के पथिक हैं वो तो का की उपासना करते हैं, लेकिन जिनके जीवन में का पट हो गया है, यानी माया ठगनी ने उसको आवरण से ग्रसित कर दिया है, विमोही हो गए हैं, वो कपटी हो गए हैं, वो ध्यान रख लीजिएगा, वो कपटी हो गए हैं, वो अविद्यावान है, वो जीवन में शरीर और स्वार्थ को जीवन का सार मान रहे हैं, वो स्वार्थी हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या हो जाता है? ऐसा व्यक्ति मतवाला हो जाता है। मतवाला यानी उसको लगता है मैं आजर अमर जीऊंगा, आज जो कुछ है वो प्राप्त कर लूं, मैं तो कुछ भी करूंगा जैसा भी हो। वह ऐसा व्यक्ति इतना स्वार्थी हो जाता है कि उसके लिए पुत्र और पत्नी, परिवार, समाज सब भोग की विषय वस्तु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, कोई ठग ही कपटी नहीं होता, स्वार्थी से बड़ा कपटी कोई नहीं होता। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर आप केवल स्वार्थी हैं, केवल अपने लिए सोच रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, बड़ा सुंदर उपनिषद में ये बड़ा अच्छी घटना वर्णित है, मैत्री और गार्गी के रूप में। याज्ञवल्लक जी की दो पत्नियां, मैत्री और गार्गी। गार्गी ने जो है गुण ज्ञान को आत्मसात किया,
मैत्री जो है वो उसने विषय मंथनों के प्रति जो है भौतिक संपदा को अपने जीवन का सार माना, उनको उपदेश देते हुए याज्ञवल्लक जी कहते हैं कि कोई भी जो है प्रिय पति इसलिए प्रिय नहीं है कि हम उससे प्रेम करते हैं, पति इसलिए प्रिय है कि वो हमारी कामनाओं को पूरा करता है। पति यदि हमारे अनुसरण के अनुसार ना चलने वाला हो तो पत्नी को अप्रिय हो जाएगा पति। पुत्र इसलिए प्रिय नहीं है कि वो हमारा पुत्र है, पुत्र इसलिए प्रिय है कि वो हमारे हिसाब से काम कर रहा है। बंधुजन संसार के सारे लोग इसलिए प्रिय नहीं है मेरे कि वो मेरे हैं, इसलिए कि वो मेरे अनुसार कार्य कर रहे हैं, और यही लोग जब मेरे प्रतिलोम हो जाएंगे तो मुझे अप्रिय हो जाएंगे। इसका मतलब मैं स्वार्थी हूं, मैं कपटी हूं। तो संसार में जितने भी स्वार्थी लोग हैं वो का को भूल गए हैं, पट उनमें माया का पड़ गया। अद्भुत बात कही डॉक्टर साहब आपने, यानी जो विद्वान हैं, विज्ञ हैं और संत हैं, उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन उनके साथ है कौन उनके विरोध में है। भाई सवाल ये है, वो तो सर्वभूत हितरता है, वो तो लोक कल्याण के लिए अपनी बात कह रहे हैं। गंगा बह रही है, कोई नाला आकर उसमें मिल जाए तो उसमें गंगा रोकती थोड़ी है कि तुम ना मिलो, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। लेकिन अगर कोई ये तर्क निकाल दे, अब कपट का बारीक मीमांसा देखिए, एक शराब की बोतल फूटकर गंगा में बह गई और प्रवाहित हो गई, बह गई, तो अब सवाल यह है कि वो शराब तो बह गई गंगा में, गंगा में हो गई क्योंकि वो समर्पित हो गई। लेकिन यदि आप गंगा जल को शराब की बोतल में मिला दें शराब के साथ और कहें कि ये पवित्र हो गया आप पी लो, तो थोड़ी आप पियोगे, क्योंकि वहां स्वार्थ है, स्वार्थ है उसमें शामिल आपका, आप उसे खाली नहीं कर रहे हो ना। तो जिस मन में विषय भरा हुआ है उसमें कुछ नहीं भरा जा सकता। ओहो, जिस मन में विषय भरा तो विषयी मन स्वार्थी होता है, तो स्वार्थी मन कपटी होता है। कपटी मन जो है ब्रह्म के प्रति, ब्रह्म कौन है? विद्या ही ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है। ज्ञान का अर्थ क्या है? जो ब्रह्म से मिला दे, जो जीवन की नश्वरता को समझा दे, जो दुर्लभ जीवन में किए जाने वाले कर्मों को बता दे। ज्ञान और शिक्षा में बड़ा अंतर है, शिक्षा पाठ्यक्रम की जानकारी देती है और ज्ञान जो है अनंत ब्रह्म को आत्मसात करने की विधा बताती है तुम्हारे जीवन में। तो अज्ञानी ही कपटी होता है। अब इसमें अज्ञानी की दो श्रेणी हो गई, अबोध कपटी नहीं होता, अबोध नहीं होता। इसीलिए जो न्याय शास्त्र में परिभाषा दी गई है कपट की, वो कहा है जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से किए गए कार्य को कपट कहते हैं, आपके आचरण को जानबूझकर। तो आप स्वार्थी हैं, ये तो जानबूझकर है ना, आप तो उसका शोषण कर रहे हैं ना। इसलिए बाबा ने कहा, इस देखो इस पट को पट बताया है बाबा ने पहले, उस चौपाई पर कितनी बार अपनी बात हुई लेकिन कभी किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि उस चौपाई में कपट क्यों लिखा है। लंपट ही कपटी होता है, लंपट ही कपटी होता है। लंपट मतवाला, भूतल बातुल भूत विवश मतवारे, केवल बातों बातों में ही वो दुनिया करना चाहता है, कर्म विहीन होता है, आलसी होता है, प्रमादी होता है, भोगी होता है, वो लंपट होता है। तो बाबा कहते हैं अज्ञ अकोविद अंध अभागी और काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी। अब वो कुटिल भी हो गया, कुटिल कपट से लंपट से, लंपटता से कपटता आई, और जब कपटता तुम्हारे जीवन में आई तो तुम कुटिल हो गए। कुटिल कौन है? मंथरा, आपकी बुद्धि चली गई, कु हो गए आप, संग कुसंग में परिवर्तित हो गया, कुसंगी हो गए, कुटिल हो गए। कुटिल विशेषी क्यों हो गए? सपने वो संत सभा नहीं दिखे, जीवित तो छोड़ो आपके स्वप्न में भी संत नहीं आते, अर्थात सदविचार नहीं आते। तो जो सदविचार के रास्ते से हटकर पूर्वग्रही हो जाता है वो कपटी है। तो आप कपटी किसी ठक को ही ना मानिए, वो तो आचरण से कपटी हो रहा है लेकिन आप स्वभाव से कपटी हो जाएंगे यदि आप स्वार्थी होंगे, और स्वार्थी आप तब होंगे जब माया की पट्टी आपके पास बंधी होगी। आप इस शरीर नश्वर शरीर को ही सब कुछ समझ रहे होंगे और जीवन का सार यही होगा कि तुम चाहे पीड़ा में रहो, तुम्हें चाहे तकलीफ हो, तुम चाहे रोते रहो, मेरे जीवन में आनंद रहना चाहिए, मैं सुखी होना चाहिए। तो जो मैं पर निर्भर होता है, मैं के खूटे बंधी रही और जीवन की पतवार, वो अपने खूटा गाड़ लेता है मैं का। इसमें मैं बहुत सारी चीज आ गई,
इसलिए इसकी बड़ी गुण मीमांसा हो सकती है और अपने पास समय कम है। अहंकारी भी कपटी हो जाता है, अहंकारी भी कपटी हो जाता है, मिथ्या बोलने वाला भी कपटी हो जाता है, मौन रहने वाला भी कपटी हो जाता है। यही श्रेणी क्या परोपकार नहीं कर पाता? अब देखिए, परोपकार एक दूसरा अर्थ है। परोपकार की परिभाषा, इसमें पर लगा हुआ है, अपन पर पर कई बात बात की, आप ध्यान रखिएगा। परोपकार एक बड़ी विचित्रता है। स्वार्थ आपके लिए होता है, परमार्थ परोपकार के लिए होता है। परोपकार किया नहीं जाता, परोपकार करने के लिए कदम बढ़ाता हूं आप बोल रहे थे, लेकिन क्या करूं रुक जाता हूं। अब कदम बढ़ाने की जरूरत आपको पड़ रही है, इसका मतलब आपके चित्त में परोपकार का वास नहीं हुआ है। नहीं, नहीं। परोपकार कौन है? परोपकार परम धर्म है, उससे बड़ा संसार में कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, धर्म धर्म, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पूछा है उत्तरकांड में काक भुसुंड जी से 7 प्रश्न, उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा पुण्य कर्म बताइए आप, सबसे परम धर्म कौन सा है? तो वो कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई। परोपकार का होता है परहित, स्वहित कपटी हो गया, स्वहित कपटी हो गया, स्वार्थी, और परहित परोपकारी हो गया। तो परहित तो परम धर्म है, परम धर्म का होता का अर्थ होता है उसी के लिए आप संसार में आए। ठीक बात। गीता में अर्जुन को समझाते हुए और 11 अध्याय में उद्धव को समझाते हुए परमात्मा कृष्ण यही कहते हैं, सर्वभूत हितरता, प्रत्येक प्राणी में संसार के मेरे दर्शन करना, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्सात सर्वत्र सर्वदा कहते हैं वो। ये अन्वय व्यतिरेकाभ्याम है, सब में मुझे देखना और सबको स्वयं में देखना, सबको स्वयं में देखना परोपकार है। आप कोई ऐसा कार्य नहीं करो जो आपको पसंद ना हो, तो फिर दूसरे के लिए क्यों कर रहे हो? ये भी परोपकार है। परोपकार का अर्थ बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि मैं लोगों को पैसा नहीं दे पा रहा हूं, देना तो चाहता हूं लेकिन बच नहीं रहा है। ये आप दान की बात को परोपकार में क्यों जोड़ रहे हैं? चित्त पवित्र है क्या? आप निकलते समय देख रहे हैं क्या कि उपवन के वृक्ष सुरक्षित हैं? आप निकलते समय देख रहे हैं क्या कि सड़कें स्वच्छ और साफ है? आप निकलते समय किसी कांटे को उठाकर हटा रहे हैं क्या? ये परोपकार है। आप निकलते समय खुली बिजली के तार को जमीन में पड़े हुए देखते हैं और यूं निकल लाते हैं, अरे पड़ा होगा, कि रुकते हैं, रुककर लोगों को बताते हैं, ये परोपकार है। आप गर्मी में कंठ प्यासे होकर जब चारों तरफ भटक रहे होते हैं और आपको कहीं पानी नहीं मिलता, तो क्या चित्त में तुम्हारे आ रहा है क्या कि यहां 4 मटके रखवा दूं? आप चिड़ियों को चहचहाते हुए जब देखते हैं और गर्मी का समय होता है, तो आपके मन में वो विज्ञापन वाला फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं है क्या? स्वमेव लगता है क्या कि मैं भोजन कर रहा हूं तो मूक प्राणी को भोजन दे दूं? मेरा सेवक भी भोजन किया है कि नहीं? मेरे त्योहार में मैंने कपड़े पहने हैं तो मेरे यहां और लोगों ने भी कपड़े पहने हैं कि नहीं? परोपकार सीखना है तो उस गृहिणी से सीखो जो परंपराओं में जीती है, सबको खिलाने के बाद खाती है, वो परहित कर रही है, वो परोपकार कर रही है। परोपकार दान नहीं है कि जिसको लिए प्रयत्न करो, ये तो परम धर्म है। ईश्वर की कृपा होगी तो स्वमेव तुम बिछ जाओगे इस धर्म में चलने के लिए। बहुत ठिठक कर परोपकार उस नित्य की तरह नहीं है जिसके लिए आपको कोई निवेदन करे कि डांस करेंगे क्या प्लीज। परोपकार वो है जिसमें आपके हाथ पैर कब हिलने लग जाएं और मीरा की तरह थिरकने लग जाएं, आप नाचने लगे, आपका मन मयूर नृत्य करने लगे, तब वहां पर दोनों हाथ जैसे खुले जाना है, बंद आना है और खुले जाना है। तो आपने क्या मुट्ठी खोलने का अभ्यास किया है क्या? वो परोपकार है। परोपकार आपके अंतर चित्त को अंदर और बाहर एक जैसे रखना है। ध्यान रखिएगा, वो बहुत बड़ा परोपकारी है। जो जैसे भीतर है वैसे ही बाहर है, उससे बड़ा परोपकारी कोई नहीं। उनके दर्शन करके धन्य हो जाइए आप। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब, बड़ी अद्भुत बात है। और आपने जो दोनों ही हमको परिभाषाएं बताई हैं, मतलब मैंने इसके पहले कभी इस विषय को इस स्वरूप में देखा और समझने की चेष्टा नहीं की है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं और कई बार कहने में संकोच नहीं कि मैं भी उसी श्रेणी में खड़ा होता हूं कि चाहे आपके घर के प्रियजन भी क्यों ना हो, लेकिन आप उनसे भी जब जुड़ते हैं और उनके लिए भी कोई उपहार खरीदते हैं, तो उसके पीछे भी एक चिंतन होता है कि इनको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, ये आपके मन में बाद में बात आती है।
पहले आपको ये लगता है कि नहीं पत्नी दुखी होगी अगर ये सुंदर वस्त्र या ये साड़ी न खरीदी गई, पुत्र या पुत्री दुखी होंगे अगर उनको ये वस्त्र, आपके मन में ये भाव नहीं उमड़ा है कि मैं अपने लिए कुछ ना खरीदूं। आप या तो भय से संचालित होते हैं या आप इससे कि चलिए साहब कोई विवाद ना खड़ा हो, घर है अपना, शांति से रहा जाए। अब बताइए आप किस श्रेणी में खड़े हो जाते हैं? आप घर में भी राजनीति कर रहे हैं, आप घर में भी कोई चीज खरीद रहे हैं तो आपका दिमाग काम कर रहा है, आप शर्तों के साथ हर चीज करने के आदी हैं और उसके बाद आपको लगता है कि आप दुनिया के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। कितनी सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कही, परोपकार कोई ऐसा थोड़ी किया जाता है कि डांस किया जाए। आइए आज ये काम क्यों, परोपकार की कितनी वृहद परिभाषा है, अपने ब्रह्मांड को लेकर सजग रहना कि किसी भी जीव के लिए धर्म जैसे धारण किया जाता है, कुछ भी किसी के लिए अनिष्टकारी ना हो, यह है परोपकार। हम तो परोपकार की अजीब सी परिभाषा समझ कर बैठे, कितनी सुंदर बात है। और बताइए हम नाना प्रकार के गुरुओं के पास जाते हैं और क्या समझ कर लौटते हैं, कहीं पर्चा हमारा खुलता है, कहीं हमारी कुंडली में ग्रह खुलते हैं, लेकिन परहित सरस धर्म नहीं भाई, ये हम नहीं समझ पाते कि दूसरे की पीड़ा से उसको अपनी पीड़ा समझ लेने से बड़ा धर्म ही नहीं है कुछ। और ये हमने नहीं समझा है, हमने समझा है नाना प्रकार के ग्रह, उनका शांतिकरण और किस तरह से आगे बढ़ेंगे। बाप रे बाप, सब कुछ इस सनातन परंपरा में उपलब्ध है, लेकिन हमें तो वो सुनना है जो हमारा ये विषयाशक्ति के में डूबा हुआ मस्तिष्क और मन सुनना चाहता है कि तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा कल्याण, तुम कैसे आगे बढ़ोगे। बाप रे बाप, आनंद आ गया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।